आज थोड़ा किट्टो के साथ वीडियो शूट कर लेते हैं क्योंकि अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, है ना किट्टो? जरूरी है, जरूरी है। तुम भी आओगे बहुत जल्दी। अरे घर तो मम्मी अच्छा सब कुछ हो जाए तो आ जाएंगे। चाय वाय बहुत लोग बोल रहे हैं किट्टो का हेल्प वेल्प नहीं करवा दिए, नहीं यार तो करती है। मेरा हालत उतना सही नहीं था और करती है यार, लेकिन मुझे ना मजबूरी में थोड़ा बहुत दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग इतने क्योंकि हम उतने अच्छे से ऐसे ही रहते थे और ऐसे ही किचन में आ जाते थे। नहीं तो आपको शायद पता नहीं है, मनीषा जब भी आई है, चाहे जब भी मेरे घर पे आई है, जब भी मैं किचन में आती हूँ तो ऐसा नहीं कि वो बैठ ही रहती है, आती है हेल्प कराती है। आते हैं देखते हैं, लेकिन हमको ना मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से ना किसी को खाना बना वो करना। अपने घर पे ना मेरे को थोड़ा सा लगता है, वहाँ पे तो बनाती हैं लेकिन हमको ना जैसे यहाँ आते हैं तो ये अपना ही घर जैसा लगता है। और आते हैं तो जो मन करता है बनाने का, ये बोल रही थी आज पनीर का भुर्जी बनाने के लिए, फिर हम बोले नहीं आज आलू का भुजिया बनेगा क्योंकि इनके पति को बहुत पसंद है, उनको अच्छा लगता है इसीलिए तो हम बोले बनाने के लिए। बाकी अभी चलते हैं थोड़ा चाय बनाने। अपडेट करा लो ना ये चीज़, यहाँ से पोस्ट भी कर सकती हो। तो तुम्हारे में नहीं हुआ है अभी? ना वो नहीं हुआ है, तो अभी चल रहे हैं सब कुछ। बहुत लोगों को मतलब लग रहा है कि सब कुछ इतना जल्दी तुम नॉर्मल कैसे कर लियो, तो भाई क्या कोई सदमे में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, कोई खाना पीना छोड़ दे, और जब इंसान खाएगा पिएगा तभी थोड़ा सा ताकत आएगा, लड़ने की थोड़ा सा शक्ति होगी, और सब कुछ ठीक है अपनी जगह, और जो भी हुआ वो गलत है। लेकिन ये थोड़ी ना कि हम एक ही चीज को लेकर के बैठ जाएं और सारे काम को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगा, फिर हिम्मत नहीं होगी। और अभी क्या है ना कि अभी भी पूरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं एक साइड ही क्यों दर्द हो रहा है। नहीं अभी अगर अभी तुम ये सब कुछ ना करो, एक जगह बैठी रहो, बस सिर्फ ब्लॉग ही डालो तो लोग ये भी तो बोलेंगे। अगर ये हंस के अगर कल के थोड़ा सा नॉर्मल होकर के इतना प्रेशर देने के बाद तैयार होकर के इसने वीडियो डाला, नॉर्मल हो गई। अगर अभी हमने यही बोला ये ना मतलब जो सोच रहे हैं ना वो भी सही है, क्योंकि क्या होता है ना कोई इंसान इतना जल्दी नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन आप होना पड़ेगा भाई। ये बात है कि हम इतने टाइम से जब ये सारी चीज देख रहे हैं तो अब मुझे खुद नॉर्मल, क्योंकि अब हमको अपने लिए खुद देखना है, सब कुछ करना है। मानते अगर अब हम नहीं करेंगे कुछ तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर ये चीजें ना दब जाएंगी। और रही बात ये इसकी कि देखिए कोई भी कुछ काम करता है, गलत काम करता है, अगर वो सही करने की कोशिश करता है तो उसको टाइम लगता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ती है? अपनों की। तो इसका अपना कौन है भाई, मतलब इनके पति का अपना कौन ज़्यादा खास है? माँ बाप है, बीबी है, तो ये सब साथ रहेंगे तब उनको हौसला मिलेगा ना, तब तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये छोड़ करके अलग बैठी रहेंगी, उनके माँ बाप अलग बैठे रहेंगे, तो इंसान अकेले में ना सब कुछ वही सब सोचेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्या हुआ, तो वही सब सोचता रहेगा तो बदलेगा नहीं। हम खुद बैठ पास में बैठ तक नहीं रहे थे क्योंकि मुझे ही गुस्सा इतना आ जा रहा था, लेकिन ये मेरे को बोली कि मनीषा तुम खुद इतना इधर उधर रहेगी तो दिमाग में ना इंसान का वही सब चीज़ चलते रहेगा, तुम थोड़ा माइंड। और अकेले में इंसान बहुत कुछ सोचता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो चार लोग के बीच में रहेगा, हंसेगा, बोलेगा, खाएगा पिएगा तो ही बदल पाएगा। लेकिन यार ये बहुत गलत हुआ यार, कोई बात नहीं करना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से। मैं समझ सकती हूँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या ही कर सकते, जो होना होता है हो जाएगा, अब क्या, अब उस चीज़ को काफ़ी ये चीज़ ना, अगर एक चीज़ मैंने कॉमन कमेंट देखा है कि, तो एक चीज़ चलो भले ही गलत इन्होंने किया मैं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ का तो सुख है, सच कभी छुपता थोड़ी है, वो तो आना ही था सामने, सबके सामने आना ही था, आज नहीं आता कल नहीं आता लेकिन आता एक ना एक दिन जरूर, तो आया कोई और बात अच्छा नहीं। है कि बहुत जल्दी आया। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में सिर्फ इन्होंने ही ऐसा किया है, मतलब तुम्हारे पति ने ही सिर्फ ऐसा किया है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बस ये रहता है कि किसी का कैमरे के सामने नहीं आता ये कैम, ये एक तो ये था कि ये क्रिएटर्स वो क्रिएटर्स दोनों क्रिएटर्स थे, इसलिए लोगों को दिख गया और पता चल गया। बस ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं यार, मुझे मालूम है, मेरी आँखों के सामने भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब मेरे जानकार में, तो वो चीज़ नहीं है दुनिया के सामने क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए नहीं पता है।
बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कोई सब लोग थोड़ी ना अपने पति को ऐसे कोई छोड़ देता है। लेकिन पता है सब लोग यही सोच रहे हैं कि जो इंसान था ना ये ऐसा था नहीं, पता नहीं। हाँ ये तो बात है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि जो इंसान कभी भी, जैसे मनीषा हम लोग जैसे ट्रिप पे जाते थे, थोड़ी बहुत जो इससे गलती होती थी किसी चीज़ के लिए, इतना इसको डांट देते थे, तो मेरे को लगता था भाई ये इतनी से नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कभी ऐसे चीज़ें वैसे, मतलब अभी चीज़ें इधर उधर कपड़े थोड़े इधर उधर हो जाए तो इतना ज़्यादा डांटते थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये चीज़ मनीषा बहुत ज़्यादा रोती थी कि यार मेरे, समझाते थे कि चलिए थोड़ी बहुत तो हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता है, तो जो, और मजाक तो एक सेकंड का मतलब थोड़ा सा भी नहीं करते थे। लेकिन कुछ दिनों में ना बहुत ज़्यादा क्लोजली मजाक उजाक करना सीख गए थे, तो मैं बोली भी हूँ बहुत बार कि आप तो ऐसे नहीं बोलते थे पहले, अब ऐसे कैसे हो गए। मैंने ये चीज़ के लिए बहुत बार टोका भी है, और कभी भी मनीषा के बिना वो कहीं भी नहीं जाते थे, और जब भी वो मेरे घर पर आते थे ना मैं जरूर टोकती थी। अपना एग्ज़ाम मेरा पड़ जाता था ना, सेशनल एग्ज़ाम वगैरह, तो उसमें भी बोलते थे कि नहीं तुमको बोल दिए चलना है तो चलना है साथ में। अब पता है सच में, मतलब कि बहुत ज़्यादा पहले से चेंजिंग तो इतना ज़्यादा आया था कि मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे गुस्सा भी आता था कि यार पहले तो ऐसे नहीं रहते थे ऐसे रहते, इसलिए बहुत दिन तक ना हम लोगों ने इनसे बात भी नहीं करना छोड़ दिया था कि ये बदल गए हैं भाई, तो जब ये बदल गए तो हम लोग भी बदल सकते हैं। ये कहते हैं ना कि इंसान किसी का सुनता नहीं है तो कोई बोल भी नहीं, सुनते नहीं थे, मेन चीज़ था ना सुनते, कितना भी समझाओ सुनते नहीं थे, बोलते थे बात पलट देते थे यार, मतलब बतिए पलट देते थे, समझ में नहीं आता था। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता था ये अपनी, पता है मैं तो गुस्सा होती थी, मैं देखो सच बोल रही हूँ, मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मेरे पति देव क्या कहते थे, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल इनकी बुद्धि खुलेगी और इनको अपनों की ही याद आएगी। और ये भी बात बोले थे, ये ना अपने से नहीं बोलते हैं ये इस टाइप के, क्योंकि वो जानते हैं ना कि कैसे, देखो चार साल से हम लोग जानते हैं इंसान, देखो इंसान ने एक ही बार में पहचान जाता है कौन कैसा है कैसा नहीं है, तो ये चीज़ हमको ये हमेशा बोलते थे, मैं बोलती थी छोड़ो यार जाने दो ये दुनिया भर का, गुस्सा बहुत आता था पहले, सही बता रहे हैं। एक बार तो मनीषा से पार्टी में झगड़ा भी हो गया था, लेकिन नहीं बताया था लोगों को ना मनीषा, गुस्सा बहुत तेज आया था, लेकिन हम लोग ना दिल पे नहीं लेते हैं, आज दिल पे लिए होते ना तो हम लोग अलग रहते, सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ इन लोगों में, सचिन भाई में और इनके में ये था ना कि अगर उनको कोई बात बुरा लगता था तो मुंह पे पूछते थे, अगर हम लोग को कुछ रहता था मैं मुंह पे बोलती थी, ये नहीं कि किसी के पीछे बोलूँ, जो जिसके पीछे ही बोलती थी उनके मुंह पे भी बोलती थी कि कहीं भैया किसी और के जरिए पता चले तो इसे अच्छा उनके मुंह पे ही बोल दो, इसलिए मैं बुरी थी लोगों की नजरों में, लोगों की नजरों, जब मुंह पे बोलता है ना वो थोड़ा सा बुरा जाता है, और लोग बोलते हैं कि मुंह फट्टू है ऐसे वैसे बोल देती है, बोल देना चाहिए जब बुरा लगे, बोल देना चाहिए। वैसे ही तो मैंने बोला था, और लोगों को क्या लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, तो हम लोगों ने इनको कुछ बोला नहीं है, बहुत कुछ बोला है, बहुत 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 कुछ बोला है, पर मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये चीज़ तो दुनिया समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है, बाकी आप लोग तो खुद ही समझ रहे, आप लोग बताना कमेंट करके। बस ठीक है, चलते थोड़ा चाय, जा रही है अपनी सासू माँ के लिए काढ़ा बनाने ना। गाइस तो अभी चल रहे हैं थोड़ा सा लाल चाय बनाने। तो दोस्तों किट्टो से भी बात किया हमने, और अब हमको अम्बाला भी जाना है क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे अकेले ही हैं, वो आए थे हमारे लिए और हम कुछ काम की वजह से निकल गए थे घर से, फिर से हमें जाना था तो वहाँ भी गए भोपाल, वहाँ पे कुछ काम वाम था, तो अब जाएंगे घर पे, मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोग का भी मन नहीं लग रहा है, वो लोग भी घबरा रहे हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा है वो इतना दूर से मम्मी पापा आए, घर पे भैया हैं हमारे और निशा है तो वो वहाँ देख रही है, बाकी अभी मम्मी पापा घर पे मेड भी नहीं आ रही है तो सब काम मम्मी ही देख रही है कर रही हैं, तो वही बात है घर जाना भी ज़रूरी है, तो अभी हम लोग जाएंगे घर, घर जाने के बाद अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सबको हटाएंगे और बस देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कॉमेंट्स को शेयर कीजिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।